Morning students, how are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Good. चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना? Attendance बनाना है and you all know the process. Comment section में जाके वहाँ पे अपना नाम लिख देना है ना? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपने parents को बोलिए, वो आपका attendance बना देंगे, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, ओके? चलिए बना लिया आप लोगों ने अटेंडेंस, गुड। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको चैप्टर 15 पढ़ाया था जो कि प्रीपोजिशन था, है ना, इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर, इसको पढ़ना था और मैंने इसका एक्सरसाइज भी बनवाया था। आई होप आपने वो क्लास की होंगी। जिन बच्चों ने ग्रामर की क्लास मिस कर दी है वो एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, ठीक है? चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 16, द सेंटेंस, है ना। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब वाक्य सही किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? चलिए देखते हैं, रीड व्हाट अमन इज सेइंग। पढ़िए कि अमन क्या बोल रहा है। माई इज समीर बेस्ट फ्रेंड, है ना? ये कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, माई इज समीर बेस्ट फ्रेंड। क्या ऐसा वर्ड हम लोग सेंटेंस बोलते हैं? नहीं ना। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट अमन मीन्स। क्या आप समझ पा रहे हैं कि अमन क्या बोल रहा है? वी कैन नॉट बिकॉज द वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि जो यहाँ पे वर्ड है, सेंटेंस है, वो कोई मीनिंग ही नहीं है उसका, है ना, कोई सेंस ही नहीं है उस सेंटेंस का, इसीलिए उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। नाउ रीड व्हाट अमन इज सेइंग। अब समझिए कि अमन क्या बोल रहा है। समीर इज माय बेस्ट फ्रेंड, है ना, समीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पक्का दोस्त है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन्स। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन्स। क्या अब आपको समझ में आया कि उसने क्या बोला, है ना? आप समझ चुके हैं। आप कहने का मतलब ये माय इज समीर बेस्ट फ्रेंड, कहने का वर्ड सब तो सही उसने यूज किया है, लेकिन जो तरीका है, जो पैटर्न है, उसको उसने सही तरीके से यूज नहीं किया है, है ना। जैसे मैं ही अगर बोलूं कि नेम इज माय निशु, तो ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, लेकिन उसी को अगर मैं बोलूं कि माय नेम इज निशु, तो इसका सेंटेंस सही में आ रहा है कि मेरा नाम निशु है ना, वही है। यस वी कैन, हाँ हम लोग समझ सकते हैं। द वर्ड्स मेक कम्प्लीट सेंस नाउ। अब जो है, जो शब्द है वो एक सही रूप ले चुके हैं और सही चीज बता रहे हैं। दे फॉर्म अ सेंटेंस। ये जो है वर्ड का ग्रुप एक सही तरीके से जब पैटर्न में आया, तो जो हम इसका मीनिंग निकाले उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो एक साथ मिलके एक सही वर्ड, सही सेंटेंस बनाते हैं, सही बात बनाते हैं, उसे ही हम वाक्य कहते हैं, है ना। चलिए इसका डिफिनेशन मैं लिख रही हूँ, आप लोग नोटबुक में नोट करोगे, ठीक है। डिफाइन सेंटेंस, है ना, सेंटेंस क्या है उसे बताइए। A group of words that makes complete sense is called a sentence।
चलिए मैं इसका एग्जांपल भी बता दूं। फॉर एग्जांपल माय नेम इज मोहन, मेरा नाम मोहन है, या एक सेंटेंस समझा रहा है ना, एक सेंटेंस बना रहा है जिसका कोई मीनिंग है। ठीक है, इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर है, द वर्ड्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन द करेक्ट ऑर्डर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन। शब्द जो हैं वाक्य में इस तरीके से सही ऑर्डर में होने चाहिए, सही पैटर्न में होने चाहिए कि हम फिर समझ सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, उसमें कहना क्या चाह रहा है। रिमेंबर दैट अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप, है ना। हमेशा इस बात को याद रखिए कि एक सेंटेंस, सही सेंटेंस में पहला लेटर जो होगा हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, और लास्ट जो है उसका फुल स्टॉप से खत्म होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिखाया है, माय का एम कैपिटल है, फिर लिखते लिखते लास्ट में क्या आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये एक सही सेंटेंस है। ठीक है, अब आप कहिए कि मोहन का एम क्यों कैपिटल है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर नाउन, है ना, मोहन एक नाम है, डेट इज प्रॉपर नाउन, इसीलिए यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर का यूज किया है। कभी भी आप अपना नाम स्मॉल लेटर से नहीं लिखते हो ना, है ना, इसीलिए। ऑल्सो वी बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स विद अ कैपिटल लेटर। देखिए मैंने अभी समझाया भी है कि सभी प्रॉपर नाउन को जो है हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, इसीलिए उसको भी बताया है यहाँ पे आपको। अब रीड दीज सेंटेंसेस, सेंटेंस को पढ़िए। इट इज वेरी हॉट टूडे, इट का आई कैपिटल किया है, लास्ट में फुल स्टॉप किया है, दैट इज अ करेक्ट सेंटेंस, और इसका मीनिंग क्या होगा, आज बहुत ही गर्मी है। फिर वी गो टू स्कूल बाय बस, हम लोग स्कूल बस से जाते हैं, यहाँ भी फुल स्टॉप यूज किया है और फर्स्ट में कैपिटल लेटर। फिर माय फादर इज अ म्यूजिशियन, मेरे पिताजी एक संगीतज्ञ हैं, यहाँ भी सही है, फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर का यूज है। फिर माय फेवरेट कलर इज ग्रीन, मेरा फेवरेट कलर, मेरा पसंदीदा रंग जो है हरा है, यहाँ भी एम कैपिटल और ग्रीन के लास्ट में फुल स्टॉप है, तो सभी जो है सही सेंटेंस है, मीनिंगफुल है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसका कुछ एक्सरसाइज है जिसको देखते हैं। आप लोग पेंसिल और इरेजर निकाल लीजिए। चलिए ए है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंटेंसेस, इनमें से कौन से सेंटेंस हैं, कौन से सही वाक्य हैं, टिक उसको टिक कीजिए। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ पे बताया भी है, और हाँ जो गलत होगा उसको क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला बताया है शी एट एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया, तो ये क्या है, मीनिंग है कि उसने एक एप्पल खाया, सेब खाया, तो सही किया है। सेकंड है इज अ ब्यूटीफुल, सुंदर है, क्या है सुंदर, उसको मीनिंग ही नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ए का टू जो है क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है द किटन्स आर क्यूट, बिल्ली के जो बच्चे हैं वो काफी प्यारे हैं, ये एक मीनिंग आ रहा है ना, ऊपर से टी कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप है। चलिए फोर है ब्रोकन, टूटा हुआ, ये तो वर्ड मीनिंग वाला वर्ड आ गया, सेंटेंस नहीं है, एक वर्ड है, ये भी नहीं होगा। फाइव है फादर कॉल्ड माय अंकल होम, पिताजी ने मेरे चाचा को घर पे बुलाया, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस लग रहा है, टिक कीजिए। फिर है द येलो, पीला, ये कोई मीनिंग ही नहीं है, क्रॉस। आई लव माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता से प्यार है, सही है। लास्ट है देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन, बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, ये भी मीनिंगफुल है, टिक लगाएं। ठीक है, चलिए अब बी का देखते हैं। कह रहा है मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट टू फॉर्म सेंटेंसेस, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक साइड आपको एक वर्ड दिया है, सेकंड साइड में आपको एक अप्रोप्रिएट सेंटेंस दिया है, आपको ढूंढना है कि किसके साथ किसको मैच करेंगे तो सही बनेगा। जैसा कि पहला आपको बताया है मैरी हैड अ लिटिल लैम, ये पोएम का लाइन है, मैरी हैड अ लिटिल लैम,
तो सही मिलाया है। सेकंड है रानी एंड पूजा आर गुड सिंगर्स, है ना, रानी और पूजा बहुत अच्छे गायक हैं। दूसरा का मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूं, आर गुड सिंगर्स। तीसरा माय फैमिली, इसका हो जाएगा गोज टू द चर्च एवरी संडे। चलिए नेक्स्ट है द ताज महल, क्या होगा, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। फाइव आपका द लायन, क्या होगा, इट्स कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। सिक्स है लास्ट वाला आई, क्या होगा, आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक नाउ। चलिए जिसके सामने मैंने जो लिखा है उसी से मैच कीजिए, ठीक है, पहले इसको नोट की, इसको नोटबुक में नोट कीजिए जो डिफिनेशन है, और इन दोनों को आप लोग बुक में नोट कीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलिए हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, चलिए मैं इसमें रेस कर रही हूं। सी जो है इसको आप खुद बना के देखोगे, ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ और मैंने सेंटेंस आपको समझाया भी है, अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। सी में आपको करना क्या है, देखिए, री राइट यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप वन हैज बीन डन फॉर यू, आपको सेंटेंस लिख के दिया है, ठीक है, और जैसा कि मैंने समझाया कि स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप से, तो आपके लिए बहुत ईजी है। और एक एग्जाम्पल आपको बताया भी है कि आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट्स, है ना, इसमें गलती क्या है कि आई स्मॉल लेटर लिखा है, तो आप उसको कैपिटल करेंगे और फिर लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से द रोज स्मेल स्वीट, इसमें क्या करेंगे, टी कैपिटल करेंगे द का, और स्वीट में लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी तरीके से सारे जो इसके बाकी रह गए हैं उसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगर नहीं बनता है तो फिर मैं कल बताऊंगी।
ओके, और फिर हम अगले दिन पढ़ेंगे चैप्टर 17 एंड वाला। चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।